स्वागत हो रहा। कैसे हैं आप सब? आज आपके लिए कुछ बेहतर प्रयोग लाए। गलत खान पान की वजह से दांतों की साफ सफाई ना रखने के कारण कभी बच्चे बिस्किट खा रहे हैं, कभी नमकीन खा रहे हैं, कभी गुड़ खा रहे हैं, कभी भोजन खा रहे हैं, कभी आइसक्रीम खा रहे हैं। इसके बाद में जो बच्चे के माता पिता बचपन में बच्चों की खान पान तो उनकी परवरिश पर ध्यान नहीं दे पाते हैं, तो ऐसे बच्चों के दांतों में पाइलिया की प्रायः संभावना बन जाती है। दांतों से खून निकलना, दांतों में सूजन होना मसूड़ों में, या फिर पस जैसा निकलना, दांतों का जल्दी खोखला होना, तो ये 90% माता पिता का ही दोष होता है, उनकी असावधानी होती है। इससे बच्चे इस तरह से बीमार अस्वस्थ हो जाते हैं, तरह तरह के रोगों को लेकर। उनमें से पायरिया है जिसका उपचार हम इस वीडियो के माध्यम से बहुत शीघ्र आपको बताने वाले हैं। आपको पता ही होगा एक भीम सैनिक कपूर आता है, उसको एक गेहूँ के दाने के बराबर मसल लो छोटा कर, और फिर उसको पान के पत्ते में रखकर कत्था छूना और कुछ नहीं रखना है, सिंपल पान का पत्ता उसमें रखकर उसको घुमा रखे। जब थूक बने तो जल्दी जल्दी नहीं थूकना है, थोड़ी देर मुंह में रोकना है, उसके बाद में थूक देना है थूक के। और जब आप ये प्रयोग करते हैं, दिन में दो बार करिए, सुबह को करिए और रात्रि में सोने से पहले करें। और जब कुल्ला करना हो रात्रि में, इसको लेने के बाद वैसे तो कुल्ला करने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस रात में फिर कुछ खाना पीना नहीं। अगर कुल्ला करना ही हो तो थोड़ा नमक का पानी गर्म करके एक गिलास उससे करना, लेकिन इस औषधि को लेने के कम एक घंटे बाद। ये बैक्टीरियल जो इन्फेक्शन होता है तरह तरह का खान पान के दोष के कारण, दांतों में पानी इत्यादि रखना, ये माउथ कैंसर को भी खत्म कर सकता है। जिन लोगों ने गुटखा खा करके अपने जबड़े को छोटा कर लिया है, मुंह खुलता नहीं है उनका, उसमें भी ये फायदा करेगा। वीडियो में बताई हुई सामग्री का आप वस्तुओं का सेवन करें और इसका लाभ उठाइए, दुर्गंध भी आती होगी वो भी दूर होगी। जब आप अपनी पत्नी या प्रेमी या प्रेमिका के पास में टच में पहुंचते हैं, कहती होगी या कहता होगा कि तुम्हारे मुंह से बदबू आ रहा है, तो आप इसका इस्तेमाल करें। फिर अपना रिएक्शंस कमेंट्स हमें बताएं इसी वीडियो पे करके, या फिर हमारे व्हाट्सएप किसी और विषयों पर भी यदि वीडियो बनवाना हो तो प्लीज़ आप अपना निवेदन रख सकते। मैं समय देखते हुए कोशिश करूँगा आप लोगों की समस्या को दूर करने वाली वीडियो ये करके। ओम शांति ओम क्रांति। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना ताकि समाज में जागरूकता पैदा हो, सबका भला।